मेरा नाम डॉक्टर सुखराम है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ थोरेसिक सर्जरी मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ। जैसा कि हमने देखा, कोरोना जो है वो पूरे देश के अंदर कहर बरपा रहा है और इस कोरोना काल के अंदर एक बात सामने आई है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दो डोजेज लगाई थी और कंप्लीट की थी, उन लोगों में से 70 से 80% लोगों को कोई लक्षण नहीं आया इस बार इन्फेक्शन होने के बावजूद, और जिन लोगों को आया उनमें से बहुत कम लोगों को ऑक्सीजन आईसीयू और हॉस्पिटल रिक्वायर की जरूरत पड़ी है। तो जैसे अभी भारत सरकार ने घोषित किया है कि सेकेंड अभी 18 वर्ष से ऊपर के सब लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो वैक्सीन से लेके लोगों के अंदर बहुत सारे संदेह हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि किसको वैक्सीन लगना चाहिए और किसको वैक्सीन नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है उसके हिसाब से 18 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही है उन लोगों को वैक्सीन के ट्रायल से बाहर रखा गया है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, जैसे किसी को पहले सर्जरी हो रखी है या कैंसर से ग्रस्त है या दमा की बीमारी है या सीओपीडी की बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी और प्रकार की क्रोनिक बीमारी है जिसका इलाज बहुत दिनों से चल रहा है, थायराइड की बीमारी है, सॉफ्ट टिश्यू कैंसर है, लिवर का कैंसर है, पेट का कैंसर है, इन सारे लोगों को एक्चुअल में वैक्सीन लगवाने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी कम होने की वजह से, कोरोना की वजह से नुकसान होने का जो अंदेशा होता है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि वैक्सीन की वजह से नुकसान होने का जो है अंदेशा ऑलमोस्ट 0% के बराबर है। इसलिए इन लोगों के अंदर वैक्सीन लगना बहुत ही सेफ है और बहुत ही इन लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन का सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन को होता है और ये उन लोगों में से एक है। इसके अलावा कौन सा वैक्सीन लगना चाहिए और कौन सा लगवाना चाहिए, दोस्तों वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है वो दोनों ही वैक्सीन सेफ है और दोनों के अंदर जो है वो एंटीबॉडी जो है 70 से 80% लोगों के लिए प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो इसलिए जो भी वैक्सीन मिल रहा हो उसको लगाना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर मुझे कोरोना हो गया है तो मुझे वैक्सीन कब लगाना चाहिए। जिस भी बंदे को कोरोना हो गया है, जिस भी व्यक्ति को कोरोना हो गया है, उस व्यक्ति को रिकवर करने के 4 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगाया जा सकता है। अगर किसी ने पहली डोज ले ली है और उसके बाद जो उसको कोरोना हो गया है तो वो 4 हफ्ते के बाद दोबारा जो है वो वैक्सीन लगवा सकता है। ये वैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन बहुत सेफ है, वैक्सीन की वजह से जो है वो किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। हो सकता है हल्का फुल्का बुखार आए या जहाँ इंजेक्शन लगाया है वहाँ पर दर्द हो सकता है, लेकिन जिन भी लोगों ने लगाया है उनको बहुत फायदा हुआ है, उनको 70 से 80% उनमें से बहुत कम लोगों को जो है वो इस बार हॉस्पिटल की भर्ती होने की जरूरत पड़ी है या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है या आईसीयू रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी है। इसलिए वैक्सीन लगाने से ही हमारा आगे का बचाव हो सकता है। हो सकता है कि इसके बाद थर्ड वेव आए, लेकिन अगर वैक्सीन लगा हुआ होगा तो हमारा नुकसान जो है वो बहुत कम होगा।